अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नाम देना जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज़ बंगाल दो वो जगह थी जहाँ पर इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन हुआ था, बट ये बाकी काफ़ी पार्ट्स में फैला। सो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहना इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, बट ओके, इसका अब वो नाम पड़ चुका है। वॉट इज़ दिस बेसिकली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? हमने इसके पहले कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ी, राजा रवि वर्मा की स्टाइल पढ़ी। सो बेसिकली ये सब स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग है कि इंडिया में जो पेंटिंग्स की गई उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, उनकी एक पर्टिकुलर फीचर्स थी। तो हम उनको स्टडी कर रहे हैं और उनको फिर स्टडी करके हम ऐसे स्कूल्स ऑफ आर्ट में डाल रहे हैं। तो स्कूल्स ऑफ आर्ट का बेसिकली मतलब है कि स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, उनको किन स्टाइल्स में पेंट किया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, ये कैलकटा में ओरिजिन हुआ था इसका। द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर। हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही अपनी कॉलोनी बनाई थी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पक्सर को उन्होंने वो लड़े थे 1757 में, एंड तो उसके बाद ही बंगाल को उन्होंने सबसे अपनी पहली कॉलोनी बनाई थी, जिसके बाद से पूरे इंडिया का कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था। एंड इट वॉज अगेन कैलकटा जहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का ओरिजिन हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ एन आयरनी ऑल्सो। द टर्म बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट फुली एक्यूरेट। इट इज ट्रू दैट द फर्स्ट मूव टू क्रिएट अ मॉडर्न नेशनल स्कूल हैपेंड इन बंगाल, बट इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन अलोन। इट वॉज एन आर्ट मूवमेंट एंड अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट ओरिजिनेटेड इन कैलकटा। तो बंगाल स्टाइल ऑफ ये जो पेंटिंग है, स्कूल ऑफ आर्ट था, ये एक मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट स्कूल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंडिया में पहले के ट्रेडिशनल आर्ट जो था, स्टाइल था, वही चीज़ थी। इट वॉज मॉडर्न। हम कैसे मॉडर्न था, हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। एंड नेशनलिस्ट, जिसका कनेक्ट हमें इंडिया से डायरेक्टली कहीं ना कहीं दिखता है, और इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिली। वो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, कॉमन लोगों तक पहुंचा। एंड इट वॉज स्टार्टेड ओरिजिनेटेड इन कैलकटा, द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर, बट इट लेटर इन्फ्लुएंस्ड मेनी आर्टिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग शांति निकेतन। शांति निकेतन हम जानते हैं इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है और आज भी बहुत पॉपुलर है। इट वॉज फाउंडेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ पोएट, अ राइटर। तो शांति निकेतन इंडिया का आर्ट स्कूल था, फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल, क्या, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन तक भी उसने, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने उसको भी बहुत इन्फ्लुएंस करा था। एंड इट वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, एंड स्पेयर हेडेड बाय अवनींद्र नाथ टैगोर। एंड ही इन्जॉयड द सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट, ई बी हेवल। देखिए हुआ क्या था, ई बी हेवल जो थे वो थे तो एक ब्रिटिशर थे, वो भी कॉलोनाइजर्स के साथ ही थे, बट ई बी हेवल को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि कैसे ब्रिटिशर्स अपना यूरोपियन रियलिज्म, अपनी यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इंडियंस के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा इंडियन आर्ट जो है, हमारा जो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग था, वो कहीं ना कहीं खो गया। ये मिनिएचर्स और ये फोक आर्ट, ये ट्रेडिशनल आर्ट, ये कहीं ना कहीं इस वजह से लॉस्ट हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आते से ही अपने यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट को इंडियंस के ऊपर इम्पोज करा। सो ई बी हेविल को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अवनींद्रनाथ एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट, ई बी हेविल। Both Abanindranath and Hevel were critical of colonial art schools and the manner in which European taste in art was being imposed on Indians. तो अवनींद्रनाथ टैगोर तो इंडियन थे, उन्हें तो ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि कैसे हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया एंड हम यूरोपियन रियलिज्म को परस्यू कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ई बी हेवल जो कि थे ब्रिटिशर्स, बट उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, बिकॉज ही लाइक द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उन्हें पसंद आया था हमारा इंडियन आर्ट। तो ई बी हेवल का अवनींद्रनाथ टैगोर को बहुत सपोर्ट था। तो आप ये समझिए, ई बी हेवल कौन थे, कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। एंड ही हेल्प अवनींद्रनाथ टैगोर। दे फर्मली बिलीव्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग दैट वॉज इंडियन, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो इन स्टाइल। तो राजा रवि वर्मा की अगर हम पेंटिंग देखें तो सब्जेक्ट मैटर में तो वो इंडियन थी, क्योंकि वो महाभारत या रामायण की थीम्स पे बनती थी, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल भी इंडियन नहीं था। उसका मीडियम ऑयल पेंटिंग था, ऑयल कलर्स था,
जो कि अगेन नॉट इंडियन, वो स्टाइल यूरोपियन रियलिज्म स्टाइल था जो कि अगेन नॉट इंडियन. तो ई बी हेविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि पेंटिंग्स जो है वो इंडियन, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जिन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बन रही है, सिर्फ वो इंडियन हो, बट इंडियन स्टाइल के ऊपर भी बने वो. कैसे? फॉर देम मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर्स फॉर एग्जाम्पल वर मोर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन रादर देन ईदर द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग और अकेडमिक स्टाइल टॉट इन दी कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स. जो अकेडमिक स्टाइल यानी कि जो रियलिस्टिक, जो रियलिज्म, यूरोपियन रियलिज्म जो कि कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स में सिखाया जाता था, या फिर जो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी जिसमें अगेन यूरोपियन रियलिज्म का एक टच था, तो उनके बजाय उनके लिए मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर्स जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. यानी कि इंडियन के ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. तो हम आगे अब चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई बी हेविल ने मिल के इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया और कैसे ये इंडिया के बाकी रीजन्स में फैला एंड कैसे उसके बाद हुआ ये कि वो पॉपुलराइज हुआ और उसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत हेल्प किया. क्योंकि लोगों को उससे फीलिंग आई, कनेक्ट की फीलिंग आई, उन्हें प्राउड हुआ, उन्हें ये पता है, हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद खुद इंडियंस को लगने लगा था कि हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो तो अच्छा नहीं है. उन्हें ऐसा लगने लगा था, वो हम अब खुद के स्टाइल ऑफ पेंटिंग को कहीं ना कहीं डाउनकास्ट देखने लगे थे. सो ई बी हेविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ की शुरुआत की और इसके बाद इंडियंस रियलाइज कि हमारा इतना रिच कल्चरल हेरिटेज को छोड़ के हम यूरोपियन रियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे. एंड दैट इज़ हाउ उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब लोगों ने समझा कि हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो कितना रिच है, कितना यूनिक है, जिसके बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म की एक फीलिंग उठी.